हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमिता पिशन। आज हम बात की निफ्टी बैंक निफ्टी से निफ्टी कल की सपोर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सपायरी काफी ट्रेंडिंग रही आज मार्केट में, और देखो निफ्टी ज्यादा मतलब क्लियर था मार्केट में शुरुआत से ही, सुबह से ही है ना। और उसके कंपेयर में बैंक थोड़ा सा वॉलेटाइल था, यहाँ पे एक रेंज में मतलब दिक्कत कर रहा था इस तरीके से। पर निफ्टी में देखो आज क्या था ना, रिलायंस चल रहा था, और जिससे रिलायंस चल जाए ना, अगर 1.5-2% 1% के ऊपर भी अगर रिलायंस चलने लग जाए, समझ लो निफ्टी को गिराने की कंडीशन किसी के पास भी नहीं है उस जगह पर। और आज रिलायंस कितना चल रहा है, 2% से ऊपर चल रहा है। तो रिलायंस अकेला मार्केट को स्ट्रेंथ दे सकता है निफ्टी में यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ काफी अच्छे दूसरे शेयर्स ने भी, एफएमसीजी सेक्टर ने और बाकी ने भी परफॉर्म करा था, तो वो सब पे इम्पैक्ट पड़ा। पर जिस रिलायंस चल रहा हो और बाकी अगर 49 शेयर भी गिर रहे हो, तो वो भी रिलायंस एकदम मार्केट शार्प उसमें मोमेंटम से गिरेगा नहीं। तो आप कभी भी वॉच करना, उसको ऑब्जर्व करना मार्केट में इस तरीके से, ठीक है। तो रिलायंस में जब चल रहा हो तब पुट लेने का प्लान अवॉइड करना उस कंडीशन में, ऐसे में कभी भी। हम देखते हैं यहाँ पे क्या रहा। अब देखो निफ्टी तो ऑल टाइम हाई क्या चल रहा है, बिल्कुल आज से नया हाई लगा दिया यहाँ पे। तो अब जो भी इसका हाई है यहाँ पे इस जगह के आसपास, हम एक बार रिजेक्शन लेवल इसका बनाते हैं यहाँ पे। और बाकी इसमें कहाँ पर रेंज में दिक्कत आ सकती है, जैसे कल अगर इसके बीच में ओपन होता है, तो एक तो हाई को सबसे पहले देखना रिजेक्शन लेवल वो है उसके ऊपर क्या करता है वहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे एक लेवल आएगा ये वाला इस जगह पर, इसके बीच में जहाँ पे भी ओपन होता है ना, देखना कि 19,512 के ऊपर निकलता है तो फिर नया वापस हाई के लिए तैयार हो जाएगा मार्केट। उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम देखेंगे वहाँ पे क्या स्ट्रेंथ रहती है। साथ में देखना कि निफ्टी 50 के शेयर्स में स्ट्रेंथ किस में है, तो वो चीज़ साथ में ऑब्जर्व करना उसमें साथ में, ठीक है। और डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे इस जगह पर 19,465 के आसपास का, यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बना है इस जगह पर। कई बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन दिया है और उसको ब्रेक करके निकला, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में ऊपर दिया 50 पॉइंट का। और फिर 19,465 अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट हमें टारगेट मिल सकते हैं 19,433 तक के, तो ये हमारे नेक्स्ट टारगेट जाएंगे यहाँ पे इस जगह पर। और उसके बाद हमारे टारगेट आएंगे यहाँ पे ये 19,384 तक के। ये लेवल काफी मतलब हो जाएंगे कल परसों के लिए इनफ है यहाँ पे कल के लिए। अपसाइड में हमको रिएक्शन लेवल प्लान नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन देखिए ही मार्केट के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे क्या रहता है। तो डाउन साइड में लेवल से हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ पे। और अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहता है। बैंक निफ्टी देखो थोड़ा सा ना, बैंक थोड़ा स्लो था उसके कंपेयर में निफ्टी के कंपेयर में। तो बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया था ये वाला 45,000 के आसपास, 45,090 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ से इसने बाउंस लिया, सपोर्ट लिया से क्या, क्योंकि कल का लो भी सी के आसपास का था ये वाली, तो आज इसने यहीं से लो बनाया इस जगह पर। ये देखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल ये वाला लो बना के इस जगह से काफी अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे दिया इसने। और फिर यहाँ पे जो हमारा मेन यहाँ पे रिजेक्शन लेवल था पहला, ये था 45,243 का, इसको ब्रेक करा और वो यहीं पर आपस सस्टेन करा, इस जगह पर प्राइस एक्शन बनाया, फिर मोमेंटम नेक्स्ट दिया नेक्स्ट टारगेट के वहाँ तक। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये इसी के बीच में ओपन होता है तो सेम इसमें लेवल चलेंगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे करते हैं इसमें। ये वाला 45,391 ब्रेक करता है तो 45,480 तक के टारगेट मिल जाएंगे यहाँ पे इसमें। उसके बाद है 45,650 तक के टारगेट, वो उसमें हाई है यहाँ पे, तो उसके बाद तो कोई लेवल है नहीं टारगेट के यहाँ पे, मतलब रिजेक्शन के यहाँ पे, ये हमारा होगा यहाँ पे रिजेक्शन पर। और डाउन साइड में क्या हो सकता है, डाउन साइड में देखो अगर 45,200 के आसपास यहाँ पे क्या आता है और मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखना, ये 10-20 पॉइंट का थोड़ा सा देखना कि ऊपर नीचे करता है, ये ट्रैप करेगा इस तरीके से। तो यहाँ बाई चांस आता है तो यहाँ पे बाइंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे बाइंग के चांस मिलेंगे इस जगह पर। तो यहाँ बाइंग होगी तो वापस से बाउंस कर सकता है अपसाइड की तरफ, और इसको ब्रेक करके अगर नीचे निकलता है यहाँ पे सस्टेन करके, तो फिर 45,000 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इसमें, 45,000-45,050 तक के टारगेट मिल सकते हैं इसमें। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी में क्या रहा है आगे। फिन निफ्टी का आज थोड़ा चार्ट है ना बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा अलग दिखा है, बाकी नॉर्मल दोनों के चार्ट सिमिलर होते हैं, पर इसमें थोड़ा सा अलग चला है यहाँ पे। वो एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, बैंक निफ्टी में था और निफ्टी में था, इसकी एक्सपायरी ऑलरेडी मंगलवार को हो चुकी है। ये देखो हमारा बेस यहाँ पे था 20,200 के आसपास का, ये सपोर्ट लेवल था, इसी के यहाँ से मोमेंटम बनाया इसने अच्छा खासा और 20,295-300 तक यहाँ पे 101 पॉइंट की काफ़ी अच्छा रैली थी। पर यहाँ पे फिर उसके बाद इसमें दिन भर इसमें इसी तरीके से निकाल दिया। देखो होता है क्या ना, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो एक्सपायरी का मोमेंटम होगा तो शार्प एकदम से मतलब ऊपर या नीचे तरफ दोनों में से कहीं भी मोमेंटम आएंगे, क्योंकि सौदे कटेंगे ना इसे, मतलब जिनकी ट्रेड ले रखी है जिन्होंने जो एग्जीक्यूशन मतलब एग्जिट करेंगे उसमें से, उसके मोमेंटम एकदम से आते हैं, उसकी वजह से भी कहीं पर इम्पेक्ट पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा चार्ट में यहाँ पे फर्क दिख रहा है इसमें। बाकी डेटा वगैरह काफ़ी पॉजिटिव है, FII का डेटा भी सही चल रहा है, अभी बाइंग चल रही है, तो अगर इसी वही पुट मत लेना जब तक कि मार्केट में नेगेटिविटी दिखाई नहीं है यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।